हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेक्चर नंबर 5 मृदा अभिक्रिया डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज अपन मृदा पीएच का महत्व, इसको अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। टोटल 6 पॉइंट्स अपन इसको कंप्लीट करेंगे। आज अपन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में अपने डिस्कस किया था मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारण, आज अपन बात करेंगे मृदा पीएच का महत्व। क्लियर? तो यहाँ पर मृदा पीएच का महत्व क्या है कि अगर मृदा पीएच कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो पौधों के विकास पर या अन्य चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन 3 बिंदु समझेंगे। पहला है आपका मृदा पीएच का पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभाव, कि अगर मृदा को पोषक तत्व कम उपलब्ध होंगे या ज्यादा होंगे, इसको कौन डिसाइड करेगा? मृदा पीएच, राइट। दूसरा है मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। तो अपन बार बार बता रहे हैं कि जितना भी विघटन होता है मृदा में, चाहे वो आपका उर्वरक का हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थों का हो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जुड़ा हुआ हो या अन्य पादप कार्य की क्रियाओं से जुड़ा हो, तो सब में कौन कार्य करते हैं? सूक्ष्म जीव। और इनकी सक्रियता, वृद्धि, विकास वो किस पर निर्भर करता है? मृदा पीएच पर। तीसरा है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, कि पौधों के विकास के लिए, मतलब उनका जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, उनकी वृद्धि के लिए पीएच का कितना मान आवश्यक है। तो अपन पहला बिंदु स्पष्ट करते हैं कौन सा, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभाव। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मृदा पीएच जो है वो मृदा की रासायनिक गुणों व सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। मृदा पीएच क्या है? मृदा के रासायनिक गुणों व सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब मृदा में जो धनायन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? धनायन जो होंगे वो होंगे अपने पास में Ca+2, Mg+2, Na+, K+। ये जो धनायन होते हैं, इन धनायनों के लिए मृदा पीएच का सीधा सीधा संबंध होता है। पीएच अगर अधिक हो जाती है, देखो पीएच क्या हो जाएगी आपकी, अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इनकी कमी हो जाती है, तो वहां पर दूसरे आयन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है मृदा को आपके क्या नाम से पोषक तत्व क्या होंगे, कम उपलब्ध होंगे। पीएच अगर बढ़ जाएगी, बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी, तो उस कंडीशन में इन आयनों की जो पोषक तत्व के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है और इनके स्थान पर दूसरे आयन हो जाते हैं। ऐसे ही अपने पास में जो एक क्रिया होती है, कौन सी? नाइट्रीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया बेटा? नाइट्रीकरण की क्रिया। पीएच का मान कितना? 5.5 से कम होने पर, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण की क्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कब बढ़ती है? जब पीएच का मान कितना होता है आपका? 6 से 8 होता है। नाइट्रोजन की मात्रा कब बढ़ती है? जब पीएच का मान कितना होता है आपका? 6 से 8 के मध्य होता है, तब जाके अपने पास में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और आपको पता हो तो पौधों में एक मुख्य क्रिया होती है, कौन सी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सी होती है बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पर अगर अपने पास में पीएच का मान 6 से 8 के मध्य होता है, तो वहां पर उस मृदा के पौधों में कौन सी क्रिया ज्यादा होगी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। इसी प्रकार अपन बात करें कौन से प्राथमिक पोषक तत्व, इसकी बात करें प्राथमिक पोषक तत्व, सब जानते हो कौन कौन से? NPK। कौन से है? NPK। और दूसरा है आपके पास में द्वितीयक पोषक तत्व, कौन कौन
से होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, वो होते हैं आपके सल्फर, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके लिए जो पीएच का मान होता है वो होता है आपका 6.5 से 7.5 के मध्य। प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके और द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए पीएच का मान होता है 6.5 से 7.5 के मध्य होता है। क्लियर? तो इस तरह से कहीं न कहीं पीएच का जो मान होता है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पीएच बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो वहां पर पोषक तत्व पौधे को कम प्राप्त होंगे या अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। सामान्य मात्रा में प्राप्त होने के लिए पीएच का मान इस दी गई रेंज में होना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड बिंदु से, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। ध्यान से समझिए बेटा, मृदा में जो विघटन होता है, मृदा में क्या होता है बेटा, विघटन जो होता है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं आपको, मृदा में क्या होता है विघटन जो होता है वो विघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। विघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है तो इन सूक्ष्म जीवों का जो विकास है, इसकी बात करूं मैं, सूक्ष्म जीवों का जो विकास है, वृद्धि है, वो किस पर निर्भर करती है, पीएच पर। जैसे बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज के लिए अगर पीएच का मान क्या हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो इनकी जो वृद्धि करने की तीव्रता है, ध्यान सुनिए बेटा, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज के लिए पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो उस कंडीशन में इनकी वृद्धि करने की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? इसी प्रकार फंजाई के लिए, इसके लिए बेटा फंजाई के लिए पीएच का मान 5.5 या इससे कम होने पर इनकी जो वृद्धि करने की तीव्रता है वो बढ़ जाती है। वृद्धि करने की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर ये ज्यादा वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें विघटन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। और सामान्यतः सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए सामान्य पीएच का मान क्या होता है, 6 से 7 के मध्य होता है, ऑल ओवर सभी के लिए। ये तो पर्टिकुलर होगी, ऑल ओवर सभी के लिए इसके मध्य होता है, 6 से 7 के मध्य होता है। अब बात आती है आपके तीसरे बिंदु की, वो है आपका पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव। इसकी बात करूंगा मैं, पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव। तो देखिए बेटा, अगर अम्लीय मृदा है, इसकी बात करें अपन, अम्लीय मृदा है, उस वाले पौधे की जड़ें क्या होगी, पतली होगी, तो उनका जो वृद्धि और विकास है वो क्या होगा आपका, कम होगा। अगर अम्लीय मृदा है तो ऐसे ऐसी मृदा के पौधों की जड़ें क्या होगी, पतली होगी और उनका वृद्धि विकास क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार अगर क्षारीय मृदा है तो उनकी जड़ों का विकास क्या होता है, कम होता है और वृद्धि भी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, जिससे तना, शाखाएं आदियों का विकास प्रभावित होता है। सामान्यतः पौधों के विकास के लिए जो पीएच की रेंज होती है वो कितनी होती है बेटा, 6.5 से 7.5 के मध्य होती है, 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। इस तरह से अपन ने आज की क्लास में मृदा पीएच का महत्व पार्ट ए में तीन बिंदुओं के बारे में, पोषक तत्वों की उपलब्धता किस तरह से पीएच से प्रभावित होती है, सूक्ष्म जीवों पर किस तरह से पीएच का प्रभाव होता है और पौधों पर पीएच का प्रभाव कैसे होता है, तो ये सारे कारक अपने आज पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।